बैक्टीरियल नंबर है हमारा फाइव, जिसका नाम है एस्टिमेट डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर एफ इन अ पाइप ऑफ थ्री डिफरेंट डायमीटर। मतलब हमको तीन अलग अलग टाइप के डायमीटर्स के पाइप दिए हैं और उसके अंदर से हमको फ्रिक्शन फैक्टर एफ निकालना है। अभी फ्रिक्शन फैक्टर क्या होता है तो देखिए एफ, अभी फ्रिक्शन फैक्टर एफ क्या होता है तो देखिए, जब ये हम लोग बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड जब भी एक जगह से चल के दूसरी जगह पे ट्रैवल करता है तो उसमें एनर्जी का लॉस होता है। अब एनर्जी का लॉस क्या होता है ये आप लोगों ने हमारे थ्योरी क्लास में पढ़े हुए, अब और प्रैक्टिकल लास्ट प्रैक्टिकल में भी समझाया था मैं आपको। अब होता क्या है, एनर्जी का लॉस क्या होता है, ये एनर्जी क्यों लॉस होती है, तो देखो क्या होता है, जब भी कोई वर्क होता है, जैसे लिक्विड को एक जगह से हमको दूसरी जगह पे लेके जाना है तो क्या होगा, लिक्विड कैसे बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है, और हम लोग क्या करेंगे पाइप में उस लिक्विड को छोड़ देंगे, तो क्या होगा पाइप के थ्रू या कोई कैनल बनाएंगे या नाली बनाएंगे तो उसके थ्रू वो पानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगा। लेकिन वो क्या है, पानी कैसे बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है। यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, पानी कैसे बना, कोई भी चीज कैसे बनी हुई थी, मॉलिक्यूल से। वैसे ही पानी कैसे बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं कि सिंपली एक बॉल जो रहते हैं, छोटे छोटे बॉल्स, उस टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। सो ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्रैवल करते हुए आगे बढ़ते हैं। इन दो, जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, समझ में आ रहा है ना, इसके बीच में क्या होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन, इसके बीच में क्या होता है फ्रिक्शन। ये जितना हेवी रहेगा उतना फ्रिक्शन ज्यादा, जितना हल्का रहेगा उतना फ्रिक्शन कम, समझ में आया आकर। सो जो लॉसेस होते हैं जब भी लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं तो दो टाइप के लॉसेस होते हैं, एक लॉसेस को कहा जाता है मेजर लॉस और दूसरे लॉस को कहा जाता है माइनर लॉस। तो मेजर लॉस किस वजह से होता है, तो ड्यू टू फ्रिक्शन, समझ में ना, एक लॉस है मेजर लॉस और दूसरा है माइनर लॉस, तो ये होता है ड्यू टू फ्रिक्शन। किस वजह से होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब हम अभी बात कर रहे हैं हम लिक्विड की, तो हम हमारा जो लिक्विड होता है वो कैसे ट्रैवल करता है, थ्रू द पाइपलाइन। आप इंडस्ट्री में भी देखोगे तो लिक्विड कैसे ट्रैवल करेगा, थ्रू द पाइपलाइन। तो पाइपलाइन से जब लिक्विड ट्रैवल करता है तो वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पाइप के सरफेस के साथ घिसते हैं, वो अपने आप में एक दूसरे के साथ में घिसते हैं, तो घिसने की वजह से जो लॉस होता है उसको कहा जाता है लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, और उसको कहा जाता है मेजर लॉस। उस लॉस को कौन सा लॉस बोलते हैं, मेजर लॉस। दूसरा लॉस होता है माइनर लॉस। माइनर लॉस मतलब कैसा कि देखो इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, विद्या है को पाइप हमको लिक्विड को फ्लो करना है तो ये एक पाइप से छोटे पाइप को बड़ा पाइप लगा दिया, बड़े पाइप को छोटा पाइप लगा दिया, कहीं पे बेंड कर दिया, कहीं पे एल्बो लगा दिया, तो इससे क्या होता है वो फ्लो जो है वो डिस्टर्ब होता है और उससे भी लॉस होता है, तो उस लॉस को कहा जाता है लॉस ड्यू टू पाइप फिटिंग, और वो आता है किस कैटेगरी में, माइनर लॉस की कैटेगरी में, समझ में आए। तो हम लोग यहाँ पे दो लॉसेस पढ़े, पहला कौन सा मेजर लॉस और दूसरा है माइनर लॉस। तो आज हमारा प्रैक्टिकल जो है ये सिर्फ मेजर लॉस के लिए है, इसीलिए है मेजर लॉस के लिए। सो मेजर लॉस क्या होता है, जब भी लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करता है तो उसमें एनर्जी का लॉस होता है और वो लॉस कहा जाता है लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। उस लॉस को क्या बोलते हैं, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, और इसी फ्रिक्शनल लॉस को कहा जाता है मेजर लॉस। ठीक है, तो यही हमको आज अपने को पढ़ना है। अभी देखिए इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है डार्सी विस्बैक इक्वेशन, पहला तरीका कौन सा है डार्सी विस्बैक इक्वेशन, और दूसरा तरीका है चेसी इक्वेशन। तो आज हमारा प्रैक्टिकल है डार्सी विस्बैक के ऊपर, तो हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ डार्सी विस्बैक की, चेसी हम लोग थ्योरी में पढ़ेंगे, जब हमारा थ्योरी का कांसेप्ट आएगा उस समय हम लोग थ्योरी में चेसी इक्वेशन को भी पढ़ेंगे। तो डार्सी विस्बैक इक्वेशन कहाँ से आया, ये क्या करता है, ये बेसिकली हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन को फाइंड आउट करता है। ये जब मतलब क्या होगा, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। अब ये कहां से आया है, तो डार्सी विस्बैक नाम के जो एक साइंटिस्ट है उन्होंने इस फॉर्मूले को बनाया है जो कि फ्लोइंग लिक्विड में लॉसेस कैलकुलेट करता है, और वो लॉसेस किस टाइप के होते हैं, फ्रिक्शनल लॉसेस। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है ठीक है, जब इज इक्वल टू 4FVL2GD, तो इसमें ये जब क्या है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब एचएफ क्या है यहाँ पे, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन मतलब प्रेशर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। फोर ये एक नंबर है, एल मतलब लेंथ है, बी मतलब वेलोसिटी है, टू एक नंबर है, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8 पॉइंट, और डी मतलब डायमीटर ऑफ पाइप
इसमें देखिए यफ बचा हुआ है, तो ये यफ जो है यही हमको निकालना है। इसको बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस यफ को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और हमारा आज का प्रैक्टिकल है, हम प्रैक्टिकली यफ की वैल्यू कितनी है वो फाइंड आउट करेंगे। समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, ये एक पाइप है, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक पाइप है और नीचे ये मैनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, ये पाइप है और उसके नीचे क्या लगा हुआ है? मैनोमीटर। तो हमको ये पाइप में मैनोमीटर का एक कनेक्शन यहाँ पे दिया, एक कनेक्शन यहाँ पे दिया, और समझो फ्लो ऐसा डाउनस्ट्रीम जा रहा है इधर से इधर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, एक जगह पे मैनोमीटर का एक कनेक्शन लगा दिया। अपने मैनोमीटर पड़ा है लेफ्ट लिम राइट लिम सबको पता है, तो एक साइड उसको कनेक्ट कर दिया एक पॉइंट पे। वहां से एक मीटर का डिस्टेंस गिना, कितना गिना? ले एक मीटर का। वहां पे फिर से कनेक्शन दिया और मैनोमीटर का दूसरा साइड वहां पे लगा दिया। अब हमको यह देखना है कि जब लिक्विड इस पॉइंट है, इसको नाम दिया हम लोग सेक्शन वन और इसको नाम दे देते हैं सेक्शन टू। तो लिक्विड जब सेक्शन वन से लेकर सेक्शन टू तक जाता है तो उसमें उसका फ्रिक्शन फैक्टर क्या है या उसमें लॉसेस कितने आते हैं, उससे हमारा फॉर्मूला क्या है? HF equals to 4F L V square divided by 2GT। ये फॉर्मूला है जिससे हमको F निकालना है। तो अभी ये F निकालने के लिए हमको ये बाकी सभी टर्म्स पता करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं D की। देखिए, हम हमारा जो प्रैक्टिकल है ये तीन पाइप के ऊपर डिपेंड है। पहला पाइप का डायमीटर है 25 mm, दूसरे पाइप का डायमीटर है 40 mm, तीसरे पाइप का डायमीटर है 50 mm। तो ये तीन पाइप का यूज करके हमको, जैसा पहला HF निकालेंगे हम लोग डायमीटर 25 के लिए, दूसरा HF निकालेंगे हम लोग डायमीटर 40 mm के लिए, तीसरा HF निकालेंगे डायमीटर 50 mm के लिए। जैसे जैसे डायमीटर चेंज होगा वैसे वैसे ये वैल्यूज भी चेंज होंगी, F की जो वैल्यूज है वो भी चेंज होगी। तो हम लोग पहले बात करते थे 25 mm की, मतलब इस पाइप का डायमीटर कितना हो गया 25 mm। तो हमारे पास अभी डी आ गया। दूसरा क्या है? जी। जी का वैल्यू क्या होता है? ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये रहेगा 9.81। 2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, 4 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। यल जो बात की हम लोगों ने, यल तो यल मतलब क्या होगा? मैनोमीटर के जो दो कनेक्शन है उनके बीच का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कांस्टेंट है 1 मीटर। कितना है? 1 मीटर। मतलब हमारे पास में यल भी मिल गया। तो अभी हमारे पास में है कौन सी चीज नहीं है? हमारे पास में HF नहीं है और हमारे पास में वेलोसिटी नहीं है। समझ में दोस्तों क्या क्या नहीं है अपने पास में? HF नहीं है और वेलोसिटी नहीं। तो ये दो टर्म्स हमको बेसिकली इस प्रैक्टिकल में से निकालनी है। तो HF कैसे निकालते? तो HF निकालने के लिए क्या होता है, इसका नाम क्या है? हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब ये फ्रिक्शन की वजह से होने वाला लॉस उसको कहा जाता है HF। तो ये कैसे निकालेंगे? तो देखिए, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। ये हमारा पाइप है जिसका डायमीटर 25 mm है और लेंथ है 1 मीटर, और हमको ये देखना है कि ये सेक्शन 1 से लेकर जब सेक्शन 2 तक लिक्विड जाता है तो उसमें लॉस कितना होता है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, मैनोमीटर मर्क्यूरी सॉरी डिफरेंशियल ड्यू टू मैनोमीटर को इन दो पॉइंट्स पे कनेक्ट कर दिया। अब अज्यूम करो कि लिक्विड फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैनोमीटर की लिक्विड है। मैनोमीटर की लिक्विड कौन सा यूज करते हैं हम लोग? बेसिकली मर्क्यूरी, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 13.6। और जो लिक्विड फ्लो हो रहा है पाइप में से वो कौन सा है? वाटर। तो वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है? 1। ठीक है ना? सो मैनोमीटर लिक्विड मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, वाटर है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है। तो फ्लोइंग लिक्विड कौन सा रहेगा? वाटर, और मैनोमीटर लिक्विड रहेगा मर्क्यूरी। तो अभी अज्यूम करो कि अभी इस पाइप में से लिक्विड फ्लो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर कौन सा रहेगा? तो इसका आंसर है एटमॉस्फेरिक। क्यों? क्योंकि ये मशीन एटमॉस्फेयर में रखते हैं, जो एनवायरमेंट है एटमॉस्फेयर है वहां पे है। तो जब भी अगर मशीन बंद है तो उसमें प्रेशर कौन सा रहता है? एटमॉस्फेरिक, मतलब इस साइड में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, इस साइड में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा। ठीक है, यहाँ पे समझना आ गया। अब जब हम इसमें से लिक्विड को फ्लो करेंगे तो लिक्विड कहाँ पे जा रहा है? पहले इधर से जाएगा और फिर आगे जा के आगे जाएगा। तो हमारा पहला कनेक्शन है इस पॉइंट पे, फिर यहाँ से 1 मीटर पे दूसरा कनेक्शन है। तो देखिए क्या होगा कि जब यहाँ पे लिक्विड पहुंचेगा तो उसमें एनर्जी रहेगी ज्यादा, फिर यहाँ से ट्रैवल करते करते लिक्विड आगे जाएगा तो यहाँ पर उसकी एनर्जी हो जाएगी कम, फिर जैसे जैसे और आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो काम कर रहा है ना, यहाँ से चल के जाने का काम कर रहा है, और वो जब चल के जाएगा तो क्या होगा, अपनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा, जिस वजह से यहाँ पे एनर्जी ज्यादा रहेगी यहाँ पे एनर्जी कम रहेगी। अभी एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं हम, प्रेशर के फॉर्म के, मतलब प्रेशर यहाँ पे ज्यादा रहेगा प्रेशर यहाँ पे कम रहेगा। पाइप का डायमीटर सेम है 25 mm, यहाँ पे भी 25 mm, यहाँ पे भी 25 mm। तो देखो क्या होगा, यहाँ से जो लिक्विड का प्रेशर जाएगा वो मैनोमीटर के इस साइड में जाएगा, और यहाँ का जो प्रेशर रहेगा लिक्विड का वो मैनोमीटर के इस साइड में रहेगा। अब अज्यूम करो कि लिक्विड इधर से इधर ट्रैवल कर रहा है तो ज्यादा प्रेशर कौन से साइड में रहेगा? तो ज्यादा प्रेशर रहेगा 1 साइड में। तो मैनोमीटर लिक्विड का जो लेवल है ये 1 साइड का लेवल नीचे जाएगा। कहाँ पे जाएगा? ये
वन साइड का लेवल नीचे जाएगा। और ये मैक्सिमम से मैक्सिमम कहां पे जा सकता है, हम लोगों ने मैनोमीटर में पढ़ा तो एक्सएच लाइन पर। अब इतना लिक्विड अगर नीचे गया तो इतना लिक्विड क्या हो जाएगा, इधर ऊपर बढ़ जाएगा। समझ में आया दोस्तों? तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है एक्स। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है एक्स। तो ये कैसे गिनते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक का हाइट दैट इज एच वन, यहाँ से यहाँ तक का हाइट एच टू, और एच वन माइनस एच टू मतलब हो जाएगा एक्स। समझ में दोस्तों? सो अभी इधर ध्यान दीजिए, ये मैनोमीटर का रीडिंग है हमारा। तो हम लोगों को मैनोमीटर से एच वन मिल गया, मैनोमीटर से एच टू मिल गया, दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब क्या मिल जाएगा आपको, एक्स मिल जाएगा, एच वन माइनस एच टू। ठीक है, लेकिन मैनोमीटर से मिलने वाली वैल्यू क्या होती है, एच होती है। हमको वैल्यू कौन सी होना चाहिए, एच की चाहिए। तो एच की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स को कन्वर्ट कर देते हैं एच में। तो वो कैसे करते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स एस एस टू माइनस एस वन डिवाइडेड बाय एस वन। तो एच ये हमको वैल्यू चाहिए क्या की, एच की। हमारे पास में मैनोमीटर से क्या की वैल्यू मिली, एक्स की, उसको कन्वर्ट करना है एच में। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ये फॉर्मूले में एस टी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड। मैनोमेट्रिक लिक्विड कौन सा है अपना, मर्क्यूरी। तो यहाँ पे एस टी की वैल्यू कितनी रहेगी, 13.6। और एस वन क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। तो यहाँ पे वैल्यू रहेगी फ्लोइंग लिक्विड की 1। सो ये हो गया हमारा एक्स इज इक्वल टू एच वन माइनस एच टू। मैनोमीटर से हमको एच वन और एच टू मिलेगा, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे एक्स मिलेगा, एक्स यहाँ पर रखेंगे, एच टू होता है मैनोमेट्रिक लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज 13.6 क्योंकि मर्क्यूरी यूज करते हैं, एच वन रहेगा 1 क्योंकि फ्लोइंग लिक्विड हमारा वाटर है। तो यहाँ से जो भी इक्वेशन बनेगा उससे हमको मिल जाएगा एच। अब ये एच कौन सा है, ये एच है एच एफ हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ये एच एफ मिल गया अपने को यहाँ से। अभी अब क्या बता सकते, वी बचा। अब वी निकालने के लिए देखिए हमारे पास में डिस्चार्ज का फॉर्मूला। डिस्चार्ज मतलब क्या होता है, जो हम लोगों ने इसके पहले तीन प्रैक्टिकल्स में किया है, क्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे भी मेजरिंग टाइम का सेम डायमेंशन है, लेंथ विड्थ हाइट डिवाइडेड बाय टाइम। ये फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे तो लेंथ रहेगा 0.6 मीटर, विड्थ रहेगा 0.1 मीटर, और हम पीजोमीटर जो ट्यूब है उसमें से हाइट कितना लेते हैं, 100 mm मतलब 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर। तो ये वॉल्यूम हो गया वॉल्यूम, और फिर ये 0.1 मीटर भरने के लिए जो समय लगेगा वो हो गया टाइम। यहाँ पे लिखेंगे तो ये 0.4 × 0.6 × 0.1 डिवाइडेड बाय दैट टाइम, तो आपको मिल जाएगा डिस्चार्ज। तो देखिए अभी अपने को डिस्चार्ज मिल गया है यहाँ से। ठीक है, अब पाइप का डायमीटर आपको पता है, d1 इज इक्वल टू है 25 mm। सो d1 का अगर 25 mm है तो यहाँ से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, a1 इज इक्वल टू पाई बाय 4 d1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एरिया, ये मिल जाएगा मीटर स्क्वायर में। अब ध्यान दीजिए एक बार, अब हमारे पास क्यू भी है ए भी है, ठीक है ना। सो वी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। सो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय ए। सो वी निकालना है हमको, वो क्यू हम लोगों ने वहां से लिया और ए हम लोगों ने यहाँ से लिया, दोनों को रखेंगे तो यहाँ पर वी मिल जाएगा हमको मीटर पर सेकेंड में। अब ये सभी वैल्यू जब हम लोग इसमें पुट अप कर देंगे इक्वेशन में तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से, डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर एफ। या तो समझ में आ सकते हो। अब हम लोग डेमो करने के लिए मशीन पे जाएंगे। हेलो, ये जो मशीन है ये मशीन डार्सी जैसे हमें मेजर लॉसेस और माइनर लॉसेस निकालने के काम में आती है। तो देखो दोनों के डिस्क के ऊपर है, तो ये माइनर पंप है। पंप का आपको पहले बताया था मैंने, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है। पंप के सेंटर से नीचे जो प्रेशर रहता है, पंप जब बंद रहता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, जब हम पंप को स्टार्ट करते हैं तो वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। सेंटर से नीचे सक्शन मतलब खींचने वाला प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, और सेंटर से ऊपर डिस्चार्ज मतलब धकेलने वाला प्रेशर, मतलब पानी वो क्या करता है टैंक से खींचता है, उसका प्रेशर और बढ़ाता है और इस पाइप से वो भेजता है। तो देखिए यहाँ से पाइप लिक्विड ऊपर आएगा पंप से, फिर ये ग्रीन पाइप के थ्रू जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे ये तीन पाइप लगे हुए हैं, पहले का डायमेंशन है 25 mm, दूसरे का डायमेंशन है 40 mm, तीसरे का डायमेंशन है 50 mm। ठीक है, और यहाँ पे ये टैप लगे हुए दिख रहे हैं आपको, ये टैप यहाँ से लिक्विड जब स्टार्ट करेगा तो ये सेक्शन 1 हो गया, फिर सेक्शन 1 से ट्रैवल करते करते यहाँ पे जाएगा, ये हो गया सेक्शन 2 तीनों पाइप्स के लिए। और तीनों पाइप्स में देखिए उनका जो लेंथ है वो सेम है, मतलब ये लेंथ जो है ये 1 मीटर है सभी का। ठीक है, सो उसके बाद में ये लिक्विड जो आएगा ये इस नॉक पाइप के थ्रू इस मेजरिंग टैंक में जाएगा। जैसे हम लोगों के बाकी मेजरिंग टैंक थे ये भी सेम है, इसमें 0.6 मैंने ये 0.6 मीटर इसका लेंथ है, विड्थ से 0.4 मीटर और हाइट से 0.4 मीटर, लेकिन हम लोग
पीजोमीटर के थ्रू हम लोग कितने हाइट के लिए प्रेशर लेते हैं, तो 0.1 मीटर के लिए मतलब 100 एमएम के लिए या 10 सेंटीमीटर, है ना, वो तीनों चीज़ें एक ही होगी। तो कैसे करते हैं वो सबको पता है, यहाँ पे ये नॉब लगा हुआ है, जब भी हम लोग मशीन स्टार्ट करेंगे हमको डिस्चार्ज मेजर करना है, तो ये नॉब लगा हुआ है, इस नॉब को हम लोगों ने बंद कर देना है, तो क्या होगा, पानी बाहर जाएगा नहीं और इस मेजरिंग टैंक में पानी का वाटर राइज करेगा, ठीक है। राइज करने की वजह से क्या होगा, ये हम लोग स्टॉपवॉच लगाएंगे और जैसे हम लोगों ने इसके पहले प्रैक्टिकल्स में हाइट गिने थे वैसे ही यहाँ पे भी गिनेंगे, तो हमको मिल जाएगा 0.6 × 0.4 और हाइट रहेगा 0.1, ये हो गया हमारा वॉल्यूम, और ये 0.1 मीटर भरने के लिए जो समय लगेगा वो हो गया हमारा टाइम, तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम से हमको क्या मिल जाएगा, डिस्चार्ज, ठीक है। अभी इधर आ जाइए, तो हमारे को दो डायमेंशंस लेने थे ये मशीन के ऊपर बेसिकली, पहला था डिस्चार्ज जो हम लोग अभी आपने समझा चुका हूँ कैसे लेते हैं, तो दूसरा जो डायमेंशन है वो लेना है हमको प्रेशर। तो ये मैनोमीटर है दोस्तों, ये मैनोमीटर से देखिए बहुत सारे पाइप लगे हुए हैं, ये क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सब कनेक्शंस दिए हुए अलग अलग जगह के, सो ये क्यों दिए हुए, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो मशीन है ये मशीन मेजर लॉस और माइनर लॉस है दोनों को कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती है। तो मेजर लॉस में भी हमको कितने पाइप पे काम करना है, तीन पाइप पे, जो पहला एक पाइप, दूसरा एक पाइप, तीसरा एक पाइप, ये तीनों के कनेक्शन लगे हुए मशीन पे, वैसे ही दूसरे साइड से भी तीनों के मशीन कनेक्शन लगे हुए मशीन पे। इसके अलावा ये जो है आपको ये सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये माइनर लॉस के लिए है जो हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल रहेगा। तो इन सबके भी कनेक्शंस इसी मैनोमीटर्स पे लगे हुए दोस्तों, इस वजह से यहाँ पे आपको इतने नंबर ऑफ मैनोमीटर्स दिख रहे हैं। तो हमारा काम क्या होता है, हमें जो भी मैनोमीटर, जो भी चीज का प्रेशर मेजर करना है, जैसे अगर देखिए मैं ये ग्रीन पिंक पाइप की बात करता हूँ, तो इसका ये टैप है, ये वायर जो है ये कहाँ पे जा रहा है, देखिए ये जो है ये पहला है इसका टैप, ठीक है, और इस साइड का भी देखिए ये जो है ये पहला है, मतलब पिंक पाइप का जो ये पहला कनेक्शन दिए हुए मैनोमीटर में। तो हमको क्या करना है, ये नॉब्स को दो को ओपन करना है जब हम पिंक पाइप का मेजर करेंगे, बाकी सभी नॉब्स क्या करेंगे हम लोग इसे इस तरीके से बंद कर देंगे दोस्तों, ये समझ में आ रहा है, इस तरीके से हमको बाकी सभी नॉब्स को बंद कर देना है और सिर्फ जिसका मेजरमेंट कर रहे हैं वही नॉब हम लोग ओपन रखेंगे। तो क्या होगा, जो लिक्विड का प्रेशर है वो उसी जगह से दिखेगा, बाकी सभी नॉब्स बंद रहेगा। कैसे समझ में आया दोस्तों, तो जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये राइट साइड में लगा हुआ नॉब है, एक लेफ्ट साइड में है, तो जो पहला कनेक्शन है वो राइट साइड में लगा हुआ है, तो इस साइड में यहाँ का प्रेशर जाएगा और दूसरे साइड में अपोजिट साइड का प्रेशर जाएगा। तो क्या होगा, ये जो मैनोमेट्रिक लेवल है, अभी देखिए अभी मशीन बंद है तो मैनोमेट्रिक लेवल दोनों भी सेम है, अप्रोक्सीमेटली दोनों भी लेवल्स क्या है, सेम है। अब जब हम लोग मशीन को स्टार्ट करेंगे तो ये जो साइड है इस साइड पहले लगा हुआ है पाइप और ये बाद में लगा हुआ है, मतलब एनर्जी इसमें ज़्यादा रहेगी, इसमें एनर्जी कम रहेगी, तो इस साइड का पाइप नीचे जाएगा और इस साइड का पाइप ऊपर आएगा, ठीक है, याद है, समझ में आया दोस्तों। अब हम लोग एक छोटा सा डेमो कर लेते हैं एक रीडिंग्स के लिए, प्रैक्टिकल नंबर है हमारा पाइप जिसका नाम है एस्टिमेट डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर एफ इन अ पाइप ऑफ थ्री डिफरेंट डायमीटर, मतलब हमको तीन अलग अलग टाइप के डायमीटर्स के पाइप दिए हैं और उसके अंदर से हमको फ्रिक्शन फैक्टर एफ निकालना है। अभी फ्रिक्शन फैक्टर क्या होता है, तो देखिए एफ, अभी फ्रिक्शन फैक्टर एफ क्या होता है, तो देखिए जब ये हम लोग बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड जब भी एक जगह से चल के दूसरी जगह पे ट्रैवल करता है तो उसमें एनर्जी का लॉस होता है। अभी एनर्जी का लॉस क्या होता है, ये आप लोगों ने हमारे थ्योरी क्लास में पढ़े हुए, अब और प्रैक्टिकल लास्ट प्रैक्टिकल में भी समझाया था मैं आपको। अब होता क्या है, एनर्जी का लॉस क्या होता है, ये एनर्जी क्यों लॉस होती है, तो देखो क्या होता है, जब भी कोई वर्क होता है जैसे लिक्विड को एक जगह से हमको दूसरी जगह पे लेके जाना है, तो क्या होगा, लिक्विड कैसे बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है, और हम लोग क्या करेंगे पाइप में उस लिक्विड को छोड़ देंगे, तो क्या होगा पाइप के थ्रू या कोई कैनल बनाएंगे या नाली बनाएंगे उसके थ्रू वो पानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगा, लेकिन वो क्या है, पानी कैसे बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है। यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, पानी कैसे बना, कोई भी चीज कैसे बनी हुई थी, मॉलिक्यूल से, वैसे ही पानी कैसे बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि सिंपली एक बॉल जो रहते हैं छोटे छोटे बॉल्स उस टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। सो ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्रैवल करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो इन दो, जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, समझ में आ रहा है ना, इसके बीच में क्या होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन, इसके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन। ये जितना हेवी रहेगा उतना फ्रिक्शन ज्यादा, जितना हल्का रहेगा उतना फ्रिक्शन कम, समझ में आया। सो जो लॉसेस होते हैं
जब भी लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करते हैं तो दो टाइप के लॉसेस होते हैं, एक लॉसेस को कहा जाता है मेजर लॉस और दूसरे लॉस को कहा जाता है माइनर लॉस। तो मेजर लॉस किस वजह से होता है, तो ड्यू टू फ्रिक्शन, समझ गए ना, एक लॉस है मेजर लॉस और दूसरा है माइनर लॉस, तो ये होता है ड्यू टू फ्रिक्शन। किस वजह से होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब हम अभी बात कर रहे हैं हम लिक्विड की, तो हम हमारा जो लिक्विड होता है वो कैसे ट्रैवल करता है, थ्रू द पाइपलाइन। आप इंडस्ट्री में भी देखोगे तो लिक्विड कैसे ट्रैवल करेगा, थ्रू द पाइपलाइन। तो पाइपलाइन से जब लिक्विड ट्रैवल करता है तो वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पाइप के सरफेस के साथ घिसते हैं, वो अपने आप में एक दूसरे के साथ में घिसते हैं, तो घिसने की वजह से जो लॉस होता है उसको कहा जाता है लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, और उसको कहा जाता है मेजर लॉस। उस लॉस को कौन सा लॉस बोलते हैं, मेजर लॉस। दूसरा लॉस होता है माइनर लॉस। माइनर लॉस मतलब कैसा है कि देखो इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, देखते हैं कि पाइप हमको लिक्विड को फ्लो करना है, तो ये एक पाइप से छोटे पाइप को बड़ा पाइप लगा दिया, बड़े पाइप को छोटा पाइप लगा दिया, कहीं पे बेंड कर दिया, कहीं पे एल्बो लगा दिया, तो इससे क्या होता है वो फ्लो जो है वो डिस्टर्ब होता है और उससे भी लॉस होता है, तो उस लॉस को कहा जाता है लॉस ड्यू टू पाइप फिटिंग, और वो आता है किस कैटेगरी में, माइनर लॉस की कैटेगरी में, समझ में आया। तो हम लोग यहाँ पे दो लॉसेस पढ़े, पहला कौन सा मेजर लॉस और दूसरा है माइनर लॉस। तो आज हमारा प्रैक्टिकल जो है ये सिर्फ मेजर लॉस के लिए है, इसके लिए है मेजर लॉस के लिए। सो मेजर लॉस क्या होता है, जब भी लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करता है तो उसमें एनर्जी का लॉस होता है और वो लॉस कहा जाता है लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। उस लॉस को क्या बोलते हैं, लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, और इसी फ्रिक्शनल लॉस को कहा जाता है मेजर लॉस। ठीक है, तो यही हमको आज अपने को पढ़ना है। अभी देखिए इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है डार्सी विस्बैक इक्वेशन, पहला तरीका कौन सा है डार्सी विस्बैक इक्वेशन, और दूसरा तरीका है चेसी इक्वेशन। तो आज हमारा प्रैक्टिकल है डार्सी विस्बैक के ऊपर, तो हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ डार्सी विस्बैक की, चेसी हम लोग थ्योरी में पढ़ेंगे, जब हमारा थ्योरी का कांसेप्ट आएगा उस समय हम लोग थ्योरी में चेसी इक्वेशन को भी पढ़ेंगे। तो डार्सी विस्बैक इक्वेशन कहाँ से आया, ये क्या करता है, ये बेसिकली हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन का फाइंड आउट करता है। ये जब मतलब क्या होगा, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। अब ये कहां से आया है, ये डार्सी विस्बैक नाम के जो एक साइंटिस्ट है उन्होंने इस फॉर्मूले को बनाया है जो कि फ्लोइंग लिक्विड में लॉसेस कैलकुलेट करता है, और वो लॉसेस किस टाइप के होते हैं, फ्रिक्शनल लॉसेस। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है ठीक है, जब इक्वल टू 4FLV² / 2GD। तो इसमें HF क्या है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब HF क्या है यहाँ पे, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन मतलब प्रेशर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। 4 ये एक नंबर है, L मतलब लेंथ है, V मतलब वेलोसिटी है, 2 एक नंबर है, G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8 pound, और D मतलब डायमीटर ऑफ पाइप। तो इसमें देखिए F बचा हुआ है, तो ये F जो है यही हमको निकालना है, इसको बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस F को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और हमारा आज का प्रैक्टिकल है, हम प्रैक्टिकली ये F की वैल्यू कितनी है वो फाइंड आउट करेंगे, समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं, देखो दोस्तों ये एक पाइप है, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक पाइप है और नीचे ये मैनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है, ये पाइप है और उसके नीचे क्या लगा हुआ है, मैनोमीटर। तो हमको ये पाइप में मैनोमीटर का एक कनेक्शन यहाँ पे दिया, एक कनेक्शन यहाँ पे दिया, और समझो फ्लो ऐसा डाउन स्ट्रीम जा रहा है इधर से इधर, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, एक जगह पे मैनोमीटर का एक कनेक्शन लगा दिया, अपने मैनोमीटर पढ़ा है लेफ्ट लेम राइट लेम सबको पता है, तो एक साइड उसको कनेक्ट कर दिया एक पॉइंट में, वहां से एक मीटर का डिस्टेंस गिना, कितना गिना, ले एक मीटर का, वहां पे फिर से कनेक्शन दिया और मैनोमीटर का दूसरा साइड वहां पे लगा दिया। अब हमको यह देखना है कि जब लिक्विड इस पॉइंट है, इसको नाम देते हैं हम लोग सेक्शन वन और इसको नाम दे देते हैं सेक्शन टू, तो लिक्विड जब सेक्शन वन से लेकर सेक्शन टू तक जाता है तो उसमें उसका फ्रिक्शन फैक्टर क्या है या उसमें लॉसेस कितने आते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, HF equals to 4FLV² / 2GD, ये फॉर्मूला है जिससे हमको F निकालना है। तो अभी ये F निकालने के लिए हमको ये बाकी सभी टर्म्स पता करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं D की। देखिए हम हमारा जो प्रैक्टिकल है ये तीन पाइप के ऊपर डिपेंड है, पहला पाइप का डायमीटर है 25 mm, दूसरे पाइप का डायमीटर है 40 mm, तीसरे पाइप का डायमीटर है 50 mm। ये तीन पाइप का यूज करके हमको जैसा पहला HF निकालेंगे हम लोग डायमीटर 25 के लिए, दूसरा HF निकालेंगे हम लोग डायमीटर 40 mm के लिए, तीसरा HF निकालेंगे डायमीटर 50 mm के लिए। जैसे जैसे डायमीटर चेंज होगा वैसे वैसे ये वैल्यूज भी चेंज होंगी, F की जो वैल्यूज है वो भी चेंज होंगी।
तो हम लोग पहले बात कर लेते थे 25 mm की, मतलब इस पाइप का डायमीटर कितना हो गया 25 mm, तो हमारे पास अभी डी आ गया। दूसरा क्या है, जी, जी का वैल्यू क्या होता है, ये परसेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये रहेगा 9.81। 2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, 4 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, यल जो तो बात की हम लोगों ने यल, तो यल मतलब क्या होगा, मैनोमीटर के जो दो कनेक्शन है उनके बीच का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है 1 मीटर, कितना है 1 मीटर, मतलब हमारे पास में यल भी मिल गया। तो अभी हमारे पास में है कौन सी चीज नहीं है, हमारे पास में एचएफ नहीं है और हमारे पास में वेलोसिटी नहीं है। समझ में दोस्तों क्या क्या नहीं है अपने पास में, एचएफ नहीं है और वेलोसिटी नहीं, तो ये दो टर्म्स हमको बेसिकली इस प्रैक्टिकल में से निकालनी है। तो एचएफ कैसे निकालते हैं, तो एचएफ निकालने के लिए क्या होता है, इसका नाम क्या है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, मतलब ये फ्रिक्शन की वजह से होने वाला लॉस उसको कहा जाता है एचएफ। तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ये हमारा पाइप है जिसका डायमीटर 25 mm है और लेंथ है 1 मीटर, और हमको ये देखना है कि ये सेक्शन 1 से लेकर जब सेक्शन 2 तक लिक्विड जाता है तो उसमें लॉस कितना होता है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, मैनोमीटर मर्क्यूरी सॉरी डिफरेंशियल ड्यू टू मैनोमीटर को इन दो पॉइंट्स पे कनेक्ट कर दिया। अब अज्यूम करो कि लिक्विड फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैनोमीटर की लिक्विड है, मैनोमीटर की लिक्विड कौन सा यूज करते हैं हम लोग, बेसिकली मर्क्यूरी जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 13.6, और जो लिक्विड फ्लो हो रहा है पाइप में से वो कौन सा है, वाटर, तो वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 1, ठीक है ना। सो मैनोमीटर लिक्विड मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, वाटर है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, तो फ्लोइंग लिक्विड कौन सा रहेगा, वाटर, और मैनोमीटर लिक्विड रहेगा मर्क्यूरी। सो अभी अज्यूम करो कि अभी इस पाइप में से लिक्विड फ्लो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर कौन सा रहेगा, तो इसका आंसर है एटमोस्फेरिक, क्यों, क्योंकि ये मशीन एटमोस्फेयर में रखते हैं, जो एनवायरमेंट है एटमोस्फेयर वहां पे है, तो जब भी अगर मशीन बंद है तो उसमें प्रेशर पहुंचा देता है एटमॉस्फेरिक, मतलब इस साइड में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, इस साइड में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब जब हम इसमें से लिक्विड को फ्लो करेंगे तो लिक्विड कहाँ पे जा रहा है, पहले इधर से जाएगा और फिर आगे जा के आगे जाएगा, तो हमारा पहला कनेक्शन है इस पॉइंट पे, फिर यहाँ से 1 मीटर पे दूसरा कनेक्शन है। तो देखिए क्या होगा कि जब यहाँ पे लिक्विड पहुंचेगा तो उसमें एनर्जी रहेगी ज्यादा, फिर यहाँ से ट्रैवल करते करते लिक्विड आगे जाएगा तो यहाँ पे उसकी एनर्जी हो जाएगी कम, फिर जैसे जैसे और आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वो काम कर रहा है ना, यहाँ से चल के जाने का काम कर रहा है, और वो जब चल के जाएगा तो क्या होगा, अपनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा, जिस वजह से यहाँ पे एनर्जी ज्यादा रहेगी यहाँ पे एनर्जी कम रहेगी। अभी एनर्जी के बारे में बात करें हम लोग, प्रेशर के फॉर्म के, मतलब प्रेशर यहाँ पे ज्यादा रहेगा प्रेशर यहाँ पे कम रहेगा, पाइप का डायमीटर सेम है 25 mm, यहाँ पे भी 25 mm, यहाँ पे भी 25 mm, तो देखो क्या होगा, यहाँ से जो लिक्विड का प्रेशर जाएगा वो मैनोमीटर की इस साइड में जाएगा और यहाँ का जो प्रेशर रहेगा लिक्विड का मैनोमीटर की इस साइड में रहेगा। अब अज्यूम करो कि लिक्विड इधर से इधर ट्रैवल कर रहा है तो ज्यादा प्रेशर कौन सा साइड में रहेगा, तो ज्यादा प्रेशर रहेगा 1 साइड में, तो मैनोमीटर लिक्विड का जो लेवल है ये 1 साइड का लेवल नीचे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, ये 1 साइड का लेवल नीचे जाएगा, और ये मैक्सिमम से मैक्सिमम कहाँ पर जा सकता है, हम लोगों ने मैनोमीटर में पढ़ा तो एक्सएच लाइन पर। अब इतना लिक्विड अगर नीचे गया तो इतना लिक्विड क्या हो जाएगा, इधर ऊपर बढ़ जाएगा। समझ में आया दोस्तों, सो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है एक्स, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है एक्स, तो ये कैसे गिनते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक का हाइट दैट इज एच वन, यहाँ से यहाँ तक का हाइट एच टू, और एच वन माइनस एच टू मतलब हो जाएगा एक्स। समझ में आया दोस्तों, सो अभी इधर ध्यान दीजिए, ये मैनोमीटर का रीडिंग है हमारा, तो हम लोगों को मैनोमीटर से एच वन मिल गया, मैनोमीटर से जस्ट मिल गया, दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब क्या मिल जाएगा आपको, एक्स मिल जाएगा, एच वन माइनस एच टू, ठीक है। लेकिन मैनोमीटर से मिलने वाली वैल्यू क्या होती है, एच होती है, हमको वैल्यू कौन सी होना चाहिए, एच की चाहिए, तो एच की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स को कन्वर्ट कर देते हैं एच में, तो वो कैसे करते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स एस एस टू माइनस एस वन डिवाइडेड बाय एस वन, तो एच ये हमको वैल्यू चाहिए क्या की, एच की, हमारे पास में मैनोमीटर से क्या की वैल्यू मिली, एक्स की, उसको कन्वर्ट करना है एच में, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ये फॉर्मूले में एच की क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमेट्रिक लिक्विड, मैनोमेट्रिक लिक्विड कौन सा है अपना मर्क्यूरी, तो यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी रहेगी 13.6, और एच वन क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, तो यहाँ पे वैल्यू रहेगी फ्लोइंग लिक्विड की 1। सो ये हो गया हमारा एक्स इजिकल टू एच वन माइनस एच टू, मैनोमीटर से हमको एच वन और एच टू मिलेगा, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे एक्स मिलेगा, एक्स यहाँ पे रखेंगे, एच टू होता है मैनोमेट्रिक लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज 13.6 क्योंकि मर्क्यूरी यूज करते हैं, एच वन रहेगा 1 क्योंकि फ्लोइंग लिक्विड हमारा वाटर है, तो यहाँ से जो भी इक्वेशन बनेगा उससे हमको मिल जाएगा एच। अब ये एच कौन सा है, ये एच है
एचएफ वेट लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये एचएफ मिल गया अपने को यहां से, अभी अब क्या बचा, सिर्फ वी बचा। अब वी निकालने के लिए देखिए हमारे पास में डिस्चार्ज का फॉर्मूला। डिस्चार्ज मतलब क्या होता है, जो हम लोगों ने इसके पहले तीन प्रैक्टिकल से किया है, Q is equals to volume divided by time। यहाँ पे भी मेजरिंग टाइम का सेम डेफिनेशन है, लेंथ विड्थ हाइट डिवाइडेड बाय टाइम। ये फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे तो लेंथ रहेगा 0.6 मीटर, विड्थ रहेगा 0.1 मीटर, और हम पीजोमीटर जो ट्यूब है उसमें से हाइट कितना लेते हैं 100 mm मतलब 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर। तो ये वॉल्यूम हो गया वॉल्यूम, और फिर ये 0.1 मीटर भरने के लिए जो समय लगेगा वो हो गया टाइम। यहाँ पे लिखेंगे तो ये 0.4 0.6 0.1 डिवाइडेड बाय दैट टाइम, तो आपको मिल जाएगा डिस्चार्ज। तो देखिए अभी अपने को डिस्चार्ज मिल गया है यहाँ से, ठीक है। अब पाइप का डायमीटर आपको पता है D1 इज इक्वल टू 25 mm। सो D1 का अगर 25 mm है, यहाँ से आप लोग एरिया निकाल सकते हैं A1 इज इक्वल टू पाई बाय 4 D1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एरिया, ये मिल जाएगा मीटर स्क्वायर में। अब ध्यान दीजिए एक बार, अब हमारे पास क्यू भी है ए भी है, ठीक है ना। सो वी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। सो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय ए। सो वी निकालना है हमको, वो क्यू हम लोगों ने वहां से लिया और ए हम लोगों ने यहाँ से लिया, दोनों को रखेंगे तो यहाँ पर वी मिल जाएगा हमको मीटर पर सेकेंड। अब ये सभी वैल्यू जब हम लोग इसमें पुट अप कर देंगे इक्वेशन में, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से, डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर। या तो समझ में आया दोस्तों। अब हम लोग डेमो करने के लिए मशीन पे जाएंगे। चलो, ये जो मशीन है, ये मशीन डार्सी जैसे हमें मेजर लॉसेस और माइनर लॉसेस निकालने के काम में आती है। तो देखो दोनों के इसके ऊपर है, तो ये पंप है, पंप का आपको पहले बताया था मैंने, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है। पंप के सेंटर से नीचे जो प्रेशर रहता है, पंप जब बंद रहता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, जब हम पंप को स्टार्ट करते हैं तो वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है। सेंटर से नीचे सक्शन मतलब खींचने वाला प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, और सेंटर से ऊपर डिस्चार्ज मतलब धकेलने वाला प्रेशर, मतलब पानी वो क्या करता है टैंक से खींचता है, उसका प्रेशर और बढ़ाता है और इस पाइप से वो भेजता है। तो देखिए यहाँ से पाइप लिक्विड ऊपर आएगा पंप से, फिर ये ग्रीन पाइप के थ्रू जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे ये तीन पाइप लगे हुए हैं, पहले का डायमेंशन है 25 mm, दूसरे का डायमेंशन है 40 mm, तीसरे का डायमेंशन है 50 mm, ठीक है। और यहाँ पे ये टैप लगे हुए दिख रहे हैं आपको, ये टैप यहाँ से लिक्विड जब स्टार्ट करेगा तो ये सेक्शन वन हो गया, फिर सेक्शन वन से ट्रैवल करते करते यहाँ पे जाएगा, ये हो गया सेक्शन टू, तीनों पाइप्स के लिए। और तीनों पाइप्स में देखिए उनका जो लेंथ है वो सेम है, मतलब ये लेंथ जो है ये 1 मीटर है सभी का, ठीक है। तो उसके बाद में ये लिक्विड जो आएगा ये इस नॉब पाइप के थ्रू इस मेजरिंग टैंक में जाएगा। जैसे हम लोगों के बाकी मेजरिंग टैंक थे ये भी सेम है, इसमें 0.6 मैंने ये 0.6 मीटर इसका लेंथ है, विड्थ से 0.4 मीटर और हाइट है 0.4 मीटर। लेकिन हम लोग पीजोमीटर के थ्रू हम लोग कितने हाइट के लिए प्रेशर लेते हैं, तो 0.1 मीटर के लिए, मतलब 100 mm के लिए या 10 सेंटीमीटर, है ना। वो तीनों चीज़ें एक ही होगी। तो कैसे करते हैं वो सबको पता है, यहाँ पे ये नॉब लगा हुआ है, जब भी हम लोग मशीन स्टार्ट करेंगे हमको डिस्चार्ज मेजर करना है, तो ये नॉब लगा हुआ है, इस नॉब को हम लोगों ने बंद कर देना है, तो क्या होगा पानी बाहर जाएगा नहीं और इस मेजरिंग टैंक में पानी का वाटर राइज करेगा, ठीक है। राइज करने की वजह से क्या होगा, ये हम लोग स्टॉपवॉच लगाएंगे और जैसे हम लोगों ने इसके पहले प्रैक्टिकल्स में हाइट गिने थे वैसे ही यहाँ पे भी गिनेंगे, तो हमको मिल जाएगा 0.6 × 0.4 और हाइट रहेगा 0.1, ये हो गया हमारा वॉल्यूम, और ये 0.1 मीटर भरने के लिए जो समय लगेगा वो हो गया हमारा टाइम। तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम से हमको क्या मिल जाएगा, डिस्चार्ज, ठीक है। अभी इधर आ जाइए, तो हमारे को दो डायमेंशंस लेने थे ये मशीन के ऊपर बेसिकली। पहला था डिस्चार्ज, जो हम लोग अभी आपने समझा चुका हूँ कैसे लेते हैं, तो दूसरा जो डायमेंशन है वो लेना है हमको प्रेशर। तो ये मैनोमीटर है दोस्तों, ये मैनोमीटर से देखिए बहुत सारे पाइप्स लगे हुए हैं। ये क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सब कनेक्शंस दिए हुए अलग अलग जगह के। सो ये क्यों दिए हुए, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो मशीन है, ये मशीन मेजर लॉस और माइनर लॉस है दोनों को कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती है। तो मेजर लॉस में भी हमको कितने पाइप पे काम करना है, तीन पाइप पे, तो पहला एक पाइप, दूसरा एक पाइप, तीसरा एक पाइप, ये तीनों के कनेक्शन लगे हुए मशीन पे। वैसे ही दूसरे साइड से भी तीनों के कनेक्शन लगे हुए मशीन पे। इसके अलावा ये जो दिख रहा है आपको ये सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये माइनर लॉस के लिए है जो हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल रहेगा। तो इन सबके भी कनेक्शन इसी पैरामीटर्स पे लगे हुए दोस्तों, इस वजह से यहाँ पे आपको इतने नंबर जो पैरामीटर्स दिख रहे हैं। तो हमारा काम क्या होता है, हमें जो भी चीज का प्रेशर मेजर करना है। जैसे अगर देखिए मैं ये ग्रीन पिंक पाइप की बात करता हूँ, तो इसका ये टैप है,
ये वायर जो है ये कहाँ पे जा रहा है, देखिए ये जो है ये पहला है इसका टाइप, ठीक है, और इस साइड का भी देखिए ये जो है ये पहला है, मतलब ब्रिपिंग पाइप का जो ये पहला कनेक्शन दिए हुए मैनोमीटर में। तो हमको क्या करना है, ये नॉब्स को दो को ओपन करना है जब हम पिंग पाइप का मेजर करेंगे, बाकी सभी नॉब्स क्या करेंगे हम लोग इसे इस तरीके से बंद कर देंगे दोस्तों। ये समझ में आ रहा है, इस तरीके से हमको बाकी सभी नॉब्स को बंद कर देना है और सिर्फ जिसका मेजरमेंट कर रहे हैं वही नॉब हम लोग ओपन रखेंगे। तो क्या होगा, जो लिक्विड का प्रेशर है वो उसी जगह से दिखेगा, बाकी सभी नॉब्स बंद रहेगा। कैसे समझ में आया दोस्तों? तो जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये राइट साइड में लगा हुआ है नॉब, एक लेफ्ट साइड में है, तो जो पहला कनेक्शन है वो राइट साइड में लगा हुआ है, तो इस साइड में यहाँ का प्रेशर जाएगा और दूसरे साइड में अपोजिट साइड का प्रेशर जाएगा। तो क्या होगा, ये जो मैनोमेट्रिक लेवल है, अभी देखिए अभी मशीन बंद है तो मैनोमेट्रिक लेवल दोनों भी सेम है, अप्रॉक्सीमेटली दोनों भी लेवल्स क्या है सेम है। अब जब हम लोग मशीन को स्टार्ट करेंगे तो ये जो साइड है इस साइड पहले लगा हुआ है पाइप और ये बाद में लगा हुआ है, मतलब एनर्जी इसमें ज़्यादा रहेगी, इसमें एनर्जी कम रहेगी, तो इस साइड का पाइप नीचे जाएगा और इस साइड का पाइप ऊपर आएगा, ठीक है, याद है, समझ में आया दोस्तों? अब हम लोग एक छोटा सा डेमो कर लेते हैं एक रीडिंग्स के लिए,